एवरीवन, आज की मेरी रेसिपी आलू फूलगोभी और मटर की मसालेदार सूखी सब्जी। देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसे मैंने आज बिना प्याज लहसुन के बनाया है। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है फूलगोभी और आलू, जिसको मैंने ऐसे मीडियम साइज में कट कर लिया है और अच्छे से मैंने इन्हें 3 से 4 बार गर्म पानी में धो लिया है। आलू को भी मैंने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया और साथ में लिए मैंने 1 कटोरी मटर और लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसको भी मोटे मोटे पीस में कट कर लिया है, और लिया है हरा धनिया, जिसको भी बारीक काट लिया, और कुछ लिए मैंने यहाँ सूखे मसाले, जिसमें लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ सब्जी मसाला, और आधे चम्मच के करीब लिया है मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आएगा, और आधा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। तो चलिए जल्दी से गैस के पास चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है और मैं अब इसमें डाल दूंगी तेल। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई सा भी तेल ले सकते हैं। और मैं अब इसमें डाल दूंगी गोभी और आलू। हाई फ्लेम पर इन्हें गोल्डन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इन्हें अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छे से चलाते रहेंगे जैसे जैसे सब तरफ से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा देखिए इनमें कलर आया है। और मैं अभी इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। और मैं अब उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और डाल दूंगी। और अब तेल में डाल देंगे 1 तेज पत्ता, जिसको मैंने 2 पीस में तोड़ लिया है। थोड़ा सा डालेंगे जीरा, इन्हें चटकने देते हैं। और मैं अब इसमें डाल दूंगी सारे सूखे मसाले और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और गैस का फ्लेम अब लो कर देंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब अच्छे से पानी को और मसाले को मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही मसाले का तैयार करेंगे। अच्छे से चलाते रहेंगे। ये देखिए, मसाले में से तेल अलग हो गया है। और मैं अब इसमें डाल दूंगी कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी मसालों के साथ ही मिला लेंगे और चलाते हुए इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ, जिससे कि एक मसाला तैयार हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे एक मसाला बनके तैयार हो गया है। इसमें से तेल भी अलग हो गया है। और मैं अब इसमें डाल दूंगी मटर। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए मटर को भी टमाटर और मसाले के साथ चला लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे से मसाला बनके तैयार हुआ है। और मैं अब इसमें डाल दूंगी फ्राई किए हुए आलू और गोभी। इनको भी अब 1 से 2 मिनट के लिए मसालों के साथ मिला लेंगे, जिससे कि आलू गोभी मसालों में अच्छे से मिल जाए। अच्छे से इन्हें चला लेंगे। ये देखिए, सब्जी में कितना अच्छा कलर आया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनता ही है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए, बिना प्याज लहसुन के भी मसालेदार सब्जी बनके तैयार हो रही है। अच्छे से इन्हें मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इन्हें अच्छे से मिला लिया है। देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और मैं अब इसमें डाल दूंगी 1/2 गिलास पानी। पानी में यहाँ ज़्यादा नहीं डालूंगी, इतना ही पानी डालेंगे जिससे आलू और गोभी सॉफ्ट हो जाए। मैं यहाँ पे सूखी सब्जी बना रही हूँ, तो मैं यहाँ ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। अब अच्छे से पानी को मिक्स कर लेंगे और अब इसको ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। सब्जी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, अब थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए, आलू भी सॉफ्ट हो चुका है और गोभी भी सॉफ्ट हो गई है। और अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे।
हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए और चला लेंगे, जिससे में इसमें एक्स्ट्रा पानी सूख जाए। और अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, धनिया को भी मिला लेंगे। ये लीजिए हमारी मसालेदार सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई, वो भी बिना प्याज लहसुन के। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है। ये लीजिए वो सब्जी बनके बिल्कुल तैयार, और अब गैस बंद कर देते हैं, चलिए सर्व करते हैं। ये लीजिए टेस्टी टेस्टी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई, इसे आप पूरी पराठों के साथ खाइए, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।